हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टैफिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप यूज़ करते हैं आईफोन, आईपैड या फिर आईपॉड और उसका पासवर्ड आप भूल चुके हैं या फिर उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी एप्पल के डिवाइस का सॉफ्टवेयर रिपेयर कर सकते हैं अगर आप अपने आईफोन के या फिर आईपैड के पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, लेकिन याद रहे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो इस वीडियो का गलत फायदा ना उठाएं, किसी दूसरे के फोन का पासवर्ड करेक्ट मत कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मैं डेस्कटॉप के ऊपर शुरू करते हैं। ओके, तो हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे जो आईट्यून देख रहे हैं यहाँ पे से, और इसको क्या करना है आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इसको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो चुका। अब ओपन होने के बाद में क्या है कि आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, तो इसको सिंपली आपको क्लोज कर देना है। यहाँ से मैं इसको, यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा शायद ये लोडिंग होने में। ओके, तो इसको यहाँ से कर देना है क्लोज। ठीक है, अब आपको आ जाना अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और आगे प्रोसेस में आपको मोबाइल स्क्रीन पे बताता हूँ। ओके, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपका फ़ोन है ये है मेरे हाथ में आईफोन 4, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो वॉल्यूम होम बटन आप देख रहे हैं इसको होल्ड करके रखना है और ये जो USB डेटा केबल है इसको इससे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो दबा के रखना आपको इसको। और ठीक है, तो जैसे ही आपके सामने है इसको यहाँ ये आईट्यून में दिखा रहा है आपको यहाँ से, तो इसको यहाँ पे छोड़ देना और आगे प्रोसेस में आपको नेटवर्क भी बताता हूँ। ओके, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप निकल के आएगा, तो आपको लेफ्ट में अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है और रिस्टोर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और जैसे आप क्लिक करोगे शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना, तो फिर बाद में आपको एक ये IPSW फाइल है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इस फाइल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिस्टोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है एक्सट्रैक्टिंग फर्मवेयर, एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हमारा सॉफ्टवेयर लेना फिलहाल स्टार्ट हो चुका है, अपने मोबाइल को साइड में रख देना है और आराम से बैठ जाना है और देखते रहना है। तो इसमें थोड़ा वो टाइम लगेगा, तब तक मैं वीडियो कर देता हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, और जैसे कंप्लीट होता है मैं आगे प्रोसेस आपको बताता हूँ। ओके, तो हमारा सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई प्रोसेस नहीं चल रही, तो सिंपली आपको यूज iCloud इसको तो क्लोज कर देना है और क्या करना है, आपकी मोबाइल स्क्रीन है जो मोबाइल है ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद में कुछ थोड़ी देर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस चलेगी, तो वो होने देना और उसके बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था तरीका आईफोन के अंदर सॉफ्टवेयर डालने का और आईपैड के जो सॉफ्टवेयर रिपेयर करने का, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको कैसे रीसेट किया जाता है, दोनों का एक ही तरीका है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, इस वीडियो के अंदर जितने भी टूल और जितनी भी फाइलें मैंने यूज़ की हैं उस सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।